नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीन टेक्निकल इंडियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हर बार तरह इस बार भी जो है आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं। तो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो जो है परमाणु ऊर्जा विभाग में जो है वैकेंसी आ रखी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जो वैकेंसी आई है यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन भी होगा उसको भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी जिसकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले आप इन सारे वीडियोज़ को देख लें, कैसे फिलअप करना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में जो है बताया हुआ है। तो आप जो है इन वीडियो को देख सकते हैं जो आपके वीडियो सेक्शन के चैनल मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें जो है वैकेंसियाँ रखी है। ये जो है ECIL जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, जितने भी एटॉमिक एनर्जी कंपनी है जैसे NPCIL, BRC, RGCAR, इन सब में जो है इसके रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वैकेंसी आ रखी है। अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी पोस्ट लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 65 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, जहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर आर्टिशियन के लिए वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पे इस वाले पोस्ट के लिए ITI कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो साइंटिफिक असिस्टेंट है इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो टेक्निकल ऑफिसर है इसमें BTech वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो सबके लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन होगा, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। देन दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पे 65 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जो टेक्निकल ऑफिसर है दोस्तों यहाँ पे 24 सीट है उनकी, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट है और जूनियर आर्टिशियन जहाँ पे ITI कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके लिए जो है 28 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसका जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा। तो दोस्तों, इसका जो जॉब लोकेशन है आपका मुंबई, विजय, कोटा, कल्पक्कम, काइका, तारापुर, मैंगलोर, कोलकाता, काकरापार, इंदौर, हैदराबाद, कंडला, चेन्नई, टूटीकोरिन, कोचीन एंड प्रदीप, यहाँ पर जो है आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। देन दोस्तों, अगर आप और भी वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, आप इसको लिंक को क्लिक करके और भी वैकेंसीज देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये फॉर्म है इसके लिए जो है 1 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पे स्केल है दोस्तों, टेक्निकल ऑफिसर के 23,000 पर मंथ, जो साइंटिफिक असिस्टेंट उनके लिए जो है 19,000 पर मंथ और जो जूनियर आर्टिशियन है उनके लिए 18,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको इनिशियली बता दिया कौन कौन से कैंडिडेट जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रांच की बात करता हूँ, तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए जो ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मिनिमम 60% जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेली कम्युनिकेशन 60% यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों, जूनियर आर्टिशियन की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंडिडेट अगर आपने ITI कर रखा है 2 साल का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है, कंप्यूटर ट्रेड है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या रेडियो एंड टेलीविजन आपका ट्रेड है, तो जो है आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड क्लास जाने की 50% मार्क्स हैं तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैसे सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा, वर्चुअल इंटरव्यू मतलब आपका ऑनलाइन जो है इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। देन दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की। तो दोस्तों ये फॉर्म जो है ऑलरेडी 19 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 7 नवंबर 2020 रखी गई है। तो 7 नवंबर 2020 से पहले जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जो है इसको क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन और जान सकते हैं। दोस्तों
आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों ज़रूर देखें। और quicktechdaily.com इस वेबसाइट पर भी जाना ना भूलें, क्योंकि इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको डेली जो है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब से हो, या फिर चाहे वो डिप्लोमा बीटेक आईटीआई या फिर नॉन टेक्निकल जॉब्स हो, आपको इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले इस वेबसाइट पर मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो के साथ, फिर नई इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।